الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shaheen Leaders Academy. पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टेस्ट नंबर 31. तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एरोट्रेड्स, एरोट्रो स्पोर्ट्स, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स और मेट्रो कैनोल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं. तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए माइनस बी इज, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो एलसीएम होता है वो कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ें लिखी जाती है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या है. तो उसका फार्मूला होता है आपके पास ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और ए माइनस बी तो हमारे पास ये वाला नीचे हमने लिख लिया इसके. तो अब इसमें क्या कॉमन है, ए माइनस बी और ए माइनस बी कॉमन है, पहले हम उसको लिख लेंगे. तो यहाँ पे आगे ए माइनस बी और फिर हम अनकॉमन इसमें क्या है ये वाला, तो इसको हम पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब हमने कॉमन और अनकॉमन जो है वो दोनों चीज़ें लिखती हैं. इन दोनों का मल्टीपल जो है वो आपके पास एलसीएम होता है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोबारा क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. एलसीएम ऑफ ए सुपर फोर माइनस बी सुपर फोर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सबसे पहले आप सिंपली क्या करें कि ए सुपर फोर और इसको सिंप्लीफाई करें. इधर आप ले लें ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये ए टू पावर फोर ही बन जाएगा, माइनस आप करें बी स्क्वायर का स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि तो ये अब हम क्या करेंगे इसको दो दूसरे से हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसमें ए जो था हमारे पास ए स्क्वायर था और बी जो था वो बी स्क्वायर था. तो अब आपके पास दूसरी चीज़ क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वो आपने नीचे लिख ली. तो अब इसमें ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपके पास कॉमन है. तो अब आपने क्या करना है, कॉमन और अनकॉमन दोनों चीज़ें लिखनी है. कॉमन है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अनकॉमन क्या है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे, ए टू पावर फोर माइनस बी टू पावर फोर. P and Q are polynomials and Q is not equal to zero, then P and Q are P by Q are called. तो उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर. मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि वो तमाम नंबर्स जिनको हम रेशो की फॉर्म में देख सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर. जैसे 1/2, 2/3, 4/5, तो इन तमाम नंबर्स को जो है हम रेशनल नंबर कहते हैं. A माइनस बी ए प्लस बी, अब ये यहाँ पे आपने a माइनस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई नहीं करना. अगर यहाँ पे होती ब्रैकेट तब आप a माइनस बी को ए प्लस बी से करते और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है सिर्फ आपने b को जो है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है. तो आपके पास क्या आएगा, a तो वैसे ये वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस b को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, माइनस ए बी, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास क्या आंसर आया, a माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ए माइनस बी प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर. अब इसके आगे क्या आएगा, आपने ये जो है यहाँ पे क्या आएगा, आपने ये फाइंड करना है. तो सिंपली जब हम ए प्लस बी का स्केयर लेते हैं तो आपके पास क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी. जब आप ए माइनस बी का स्केयर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस टू ए बी, यानी कि ये तो पहले आएगा ही आएगा, फिर आएगा माइनस टू ए बी. जब आप माइनस बी और प्लस सी का लेंगे तो माइनस टू बी सी आएगा, और पॉजिटिव ए और पॉजिटिव सी के लेंगे तो प्लस टू सी ए आएगा. अगर आप इसको करके देखना चाहते हैं तो करके भी देख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस सी है, इसका होल स्केयर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी प्लस सी को ए माइनस बी प्लस सी से ही मल्टीप्लाई किया गया है. तब पहले आप क्या करें, आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, ए स्केयर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए बी, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी. देन आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर आगे
पहले माइनस बी को आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, माइनस ए बी। देन बी को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। बी को फिर आपने सी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, माइनस बी सी। अब सी को आपने पहले ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, पॉजिटिव ए सी। देन आपने सी को बी से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, माइनस बी सी। देन आपने सी को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, सी स्क्वायर। तब हम इन सब को इकट्ठा करके लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर और सॉरी टू बी सी प्लस सी स्क्वायर। तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको दिया गया था, आपने फिर क्या ऐड किया, टू ए सी देन माइनस टू ए बी एंड देन माइनस टू बी सी। तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो मैंने बताया था कि ए के इनवर्स को आप किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज टू पावर माइनस वन से। इनवर्स भी आपको बताया था कि अगर ये आपके पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, तो जो ये वाले डायगनल्स हैं ये आपस में रिप्लेस होते हैं और इन डायगनल्स के साथ के साइन चेंज होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा माइनस थ्री। इक्वल टू वाई देन सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इज, यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू क्या दे देगी ये वाई, तो अब वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टू वाई इज इक्वल टू सिक्स। अब दोनों साइड को थ्री से टू से डिवाइड कर दें तो टू इंटू वन टू, टू इंटू थ्री सिक्स, ये और ये कट के वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री, और एक्स इज इक्वल टू क्या था वाई, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थ्री, यानी कि एक्स की वैल्यू भी थ्री है और वाई की वैल्यू भी थ्री है। सेम नंबर ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन डज नॉट चेंज देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, इसमें बताया गया है दोनों इक्वेशन पे आप एक ही नंबर को ऐड करें लेकिन इक्वेशन चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पर आपके पास था इस तरफ भी 2x था, इस तरफ मिसाल के तौर पर आपके पास 3x था, आपने दोनों साइड पर क्या किया, 2 को प्लस किया, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है, इस 2 को आप इस साइड पर ले जाएंगे 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, दोबारा से क्या आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 3x, इस वजह से इसको हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी और इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती। अब इन दोनों के आंसर सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी सेम है, यानी कि x प्लस बी इज इक्वल टू x प्लस सी। अब आप सिंपली क्या करेंगे, x माइनस सी, तो यहाँ पे आपने x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, x प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये x और ये x कट के यहाँ पे b रह गया, इस c को आप इस तरफ ले आएँ ये पॉजिटिव c बन जाएगा और इस तरफ फिर क्या रह जाएगा, जीरो। सो b प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। लॉग एट माइनस लॉग थ्री इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने लॉग फाइव लेना है, उसमें ऐड करना है लॉग एट, ठीक है, एट का लॉग लेके फिर उसको ऐड करना है, देन फिर उसके बाद आपने 3 का लॉग लेना है, उसमें से माइनस करना है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1.124। अब आपने ऑप्शंस में से चेक करना है कि किस लॉग का आंसर जो है आपके पास 1.124 आएगा, तो आप लॉग 40/3 जब लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, 1.124। 11 5 is to power 4 is equal to 625 can be written logarithm form. Logarithm में मैंने क्या बताया था कि जो आपके पास coefficient होता है, अगर log दिया वो आपके पास तो base जो होती है वो coefficient में change हो जाती है और coefficient जो है वो exponent में। तो अब हमने क्या करना है, अब ये जो आपके पास coefficient है, ठीक है, ये पहले ये base में change हो जाएगा और जो exponent था वो coefficient में change हो जाएगा और 625 वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि पहले अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था बेस जो है
वो किसके साथ चेंज हो जाती है, कोएफिशिएंट के साथ, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, और जो कोएफिशिएंट था वो किसके साथ चेंज हो जाता था, एक्सपोनेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यही इक्वेशन जो है आपके पास दोबारा बन गई है। ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन अगर ए बी बी एक इक्वल है, इसका मतलब है कि बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब यहाँ पे ए बी, जब मैंने, अगर आपके पास यहाँ पे किसी जगह दिया हुआ हो 2 इज इक्वल टू 2, तो आप क्या करते हैं कि 2 और 2 को कैंसिल कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाता है। अब ए बी इज इक्वल टू बी ए लिखा हुआ है, बहुत अपने एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे हैं, कि जब भी आपने, अगर आप ये कर लें कि बी ए को नीचे ले आए, ठीक है, या बी ए को जो है वो इस साइड पे ले गए, या ए बी को दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाय बी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी, तो 1 बाय बी ए आपके पास क्या होता है, बी ए का इनवर्स, तो सिंपली क्या आ जाएगा, बी ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए बी। दूसरी, अगर ए बी को साइड पे लेके जाएंगे तो वो ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी ए बन जाएगा, इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर्म ऑफ 3 log 2 - 2 log 5, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह लिखी हुई हो कि लॉग से पहले कोई वर्ड आया हुआ, लॉग से पहले कोई नंबर आया हुआ, इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट नंबर का एक्सपोनेंट है, यानी कि जो 3 आपके 2 3 है वो 2 का एक्सपोनेंट है, इसी तरह ये जो 2 है ये 5 का एक्सपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस से बताया था, लॉग में जब माइनस हो तो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्यूब - 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, तो 2 का क्यूब अब आपके पास क्या है, 8, और यहाँ पे क्या है, 25, और लॉग सिंपली जो है वो आपके साथ ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा लॉग 8 डिवाइडेड बाय 25। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एवरी वन एंगल में भी, तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल में जो एक एंगल होता है वो राइट एंगल हो सकता है, बिकॉज 90 प्लस 90 आपके पास क्या आ जाएगा, 180। ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से हमेशा बड़ा एंगल होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए वो जो है वो 180 डिग्री नहीं कवर कर सकता, इसलिए जो राइट आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल है उनमें से एक एंगल जो है वो राइट एंगल हो सकता है। इफ द साइड ऑफ एनी राइट एंगल ट्राइंगल आर 1 1, देन देयर हाइपोटेन्यूज विल बी। अब इनमें इन्होंने क्या बताया है कि ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसमें ये जो सी है ये आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज, ए आपके पास क्या है, 1, तो आपने 1 का स्क्वायर लिया, बी आपके पास क्या है, 1, आपने 1 का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मिलके क्या बन जाएंगे, 1 + 1 आ जाएगा 2, 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, सी स्क्वायर। अब आपने सी फाइंड करना है, तो ये आपने इसका अंडर रूट लिया, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 इज इक्वल टू सी, सो आर आंसर इज अंडर रूट 2। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूअर्स, हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुँच चुके हैं। शाहीन लीडर्स अकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरवुमन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। इसके अलावा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी यहाँ पर दस्तयाब हैं। यूट्यूब चैनल शाहीन लीडर अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.shaheenleaderacademy.com को विज़िट करें, जिससे आपको बहुत से इस्तेफादा हासिल होगा। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।